करते हैं प्रदेश की गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार की शुरुआती 6 महीने की गतिविधियों पर बात करते हुए बीजेपी ने इस कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस दौरान जयराम सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लोक हित में लिए गए बेहतरीन निर्णय बताया है। राम कुमार ने प्रवेश बैरियर पर हिमाचल नंबर की छोटी गाड़ियों पर एंट्री टैक्स हटाने, वृद्ध पेंशन की आयु सीमा 80 से कम कर 70 किए जाने, स्वरोजगार हेतु 30 लाख का लोन दिए जाने और नशा माफिया पर लगाम लगाने को जयराम सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में जब से भाजपा की सरकार बनी है, उसी दिन से प्रदेश सरकार ने जनहित में फैसले लेने शुरू किए हैं। कैबिनेट का सबसे पहला फैसला प्रदेश में जो वृद्ध पेंशन 80 साल की उम्र कांग्रेस के टाइम में तय की गई थी, उस 80 साल की आयु को कम करके 70 साल किया गया। इससे प्रदेश में हजारों लोगों को लाभ हुआ और लगभग 200 करोड़ सरकार को इसके ऊपर खर्च करना पड़ा। इसी तरह से प्रदेश में चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा था कि प्रदेश में माफिया राज कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, उस माफिया राज पर लगाम लगाने के लिए जयराम सरकार ने आते ही गुड़िया हेल्पलाइन, हुशियार हेल्पलाइन प्रदेश में शुरू की। आज हम देख रहे हैं कि प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ एक बहुत ही व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हम ऊना में देख रहे हैं कि आए दिन ड्रग माफिया से जुड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। चिट्टा माफिया जो एक बहुत बड़ा आतंक ऊना में फैला रहा था, आज जयराम ठाकुर सरकार ने उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। देश में हिमाचल सरकार पहली सरकार है जिसने प्रदेश में सभी लोगों को आने वाले 2 वर्षों में एलपीजी कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से स्वावलंबन योजना के तहत युवाओं को 30 लाख तक का एक लोन देने का काम हिमाचल सरकार ने लिया है। और सबसे बड़ी खूबी हिमाचल सरकार की योजनाओं की यह है कि जो योजनाएं घोषित हुई हैं उनके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। हम देख रहे हैं कि ऊना समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां भी हम हिमाचल में प्रवेश करते थे तो हिमाचल की गाड़ियों को भी टोल टैक्स देना पड़ता था। तो हम जयराम सरकार के धन्यवादी हैं कि जयराम सरकार ने वो टोल हिमाचल की गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ी के लिए वो टोल टैक्स हटा दिया है। और हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इस प्रकार के जनहित में निर्णय जयराम सरकार लेती रहेगी। 6 ऐसे 30 से ज्यादा निर्णय, 30 से ज्यादा नए कार्यक्रम जयराम सरकार इन 6 महीनों में लेके आई है।